नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम ये भाग 5 लेकर आए हैं। इसके अंदर दोस्तों हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की योग्यता और इनसे संबंधित अनुच्छेदों को जानेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको इसके पहले भाग देखने हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसकी प्लेलिस्ट से देख सकते हो, और वहाँ पर आपको और अन्य विषयों पर भी वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यह है भारतीय संविधान की पार्ट 5 वीडियो। इसमें आज हम भाग 5 यानी कि संघ, जो कि अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक है, इसे देखेंगे। दोस्तों, संसद किससे मिलकर बनी होती है, ये भी प्रश्न बन जाता है। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद बनती है। विधानमंडल किससे मिलकर बना होता है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। फिर आपका आता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर आता है अनुच्छेद 53, संघ का मुख्य अध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति होता है। दोस्तों, विधि के अनुसार द ज्योरी हेड ऑफ यूनियन राष्ट्रपति को कहते हैं, और विधि के अनुसार द फैक्टो हेड ऑफ यूनियन प्रधानमंत्री को कहते हैं। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह होता है, ठीक है, और जो राष्ट्रपति होता है भारत का, वो ब्रिटेन के राष्ट्रपति की तरह होता है। मतलब ये है, भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो अमेरिका के राष्ट्रपति के जैसे कार्य करता है, या उसकी जैसी उसकी शक्तियाँ होती है, और जो राष्ट्रपति होता है ये ब्रिटेन के राष्ट्रपति की तरह होता है। इसकी शक्तियाँ और पावर सारी की सारी ऐसी ही होती है। फिर आपका आता है राष्ट्रपति का पद कब बना, ये दोस्तों 24 जनवरी 1950 में बना, और 26 जनवरी 1950 से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या है, ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, ये ऑप्शंस में दे दिए जाते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। भारत का नागरिक होना जरूरी है, दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु आवश्यक है, ये राष्ट्रपति की आयु भी पूछ ली जाती है, तो ध्यान रखिएगा 35 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, केवल साक्षर हो। अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का चुनाव, और अनुच्छेद 55 कहता है राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। इसमें आ गए आते हैं, आगे आपका राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। दोस्तों, इसे पहले खंबा छूने की रीति कहते थे, ये भी ध्यान रखना है। इसमें जो भाग लेते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य प्रधानमंत्री के लिए, और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मुख्यमंत्री के लिए, दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभा के सदस्य। 1500 रुपये RBI को देकर राष्ट्रपति पद के लिए फॉर्म भर सकता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार फीस पूछ ली जाती है कि राष्ट्रपति पद के लिए जो फॉर्म फीस होती है वो कितनी होती है। फिर आता है राष्ट्रपति के लिए चुनाव सबसे पहले कब हुए थे, ये हुए थे 1952 में। पहले इसमें केवल लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य भाग लेते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आता है 11वें संविधान संशोधन 1961 के तहत विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जुड़े, और 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली व पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्य जुड़े। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात कही गई है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा, यदि यह मौजूद नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज दिलाएगा। और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार पूछा गया है। इसमें 14 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा। महाभियोग के दौरान राष्ट्रपति का वकील भारत का महान्यायवादी होगा। राष्ट्रपति को लोकसभा व राज्यसभा के 2/3 बहुमत द्वारा महाभियोग में हटा दिया जाएगा। आगे देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। इसमें दोस्तों, अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 77 में भारत जितने भी समझौते करेगा वो राष्ट्रपति के नाम से ही करेगा, ठीक है,
और अनुच्छेद 123 में लिखा है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति सदन में कितनी बार जाता है? यह प्रश्न भी काफी बार पूछा गया है, 3 बार जाता है, संयुक्त अधिवेशन में, बजट सत्र में और नई सरकार के शुरू में। राष्ट्रपति के आपात उपबंध है 352, 356 और 360। भारत की तीनों सेनाओं का हेड कौन होता है? ये प्रश्न भी काफी बार पूछा गया है, राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 111, राष्ट्रपति की वीटो पावर। वीटो पावर का अर्थ है किसी पत्र पर हस्ताक्षर करना। अनुच्छेद 143, राष्ट्रपति किसी भी मामले में मुख्य न्यायाधीश की सलाह 5 जजों की कमेटी के द्वारा ले सकता है। दोस्तों ये बात आप ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के पद पर जो शपथ ली जाती है वो 25 जुलाई को ही ली जाती है। अब आते हैं भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों पहले नंबर पर जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे 1950 से 1962 तक, फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 67 तक, फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969 तक, फिर वीवी गिरी 1969 से 1974 तक, फिर फखरुद्दीन अली अहमद ये 1974 से 1977 तक, फिर आपके आते हैं नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 1982 तक, इन्होंने 25 जुलाई 1977 को शपथ ली। फिर ज्ञानी जेल सिंह 1982 से 1987, इसके बाद आर वेंकट रमन 1987 से 1992, फिर शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997 तक। आगे देखते हैं, 10वें नंबर पर आपके आए के आर नारायण, 11वें नंबर पर आए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012 तक, फिर प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक, और फिर रामनाथ कोविंद 2017 से 2022 तक, जो फिलहाल हाल ही में है। दोस्तों ये क्रम भी आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से राष्ट्रपति अब तक रह चुके हैं। रामनाथ कोविंद जी 14वें नंबर के राष्ट्रपति है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। फिर आते हैं उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 363 में कहा गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 66, उपराष्ट्रपति का चुनाव, इसकी योग्यता होती है, यह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है और जो बाकी इसकी योग्यता है वो राष्ट्रपति वाली ही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखते हैं उपराष्ट्रपति के पद पर कौन कौन रह चुके हैं। पहले नंबर पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 62 तक, फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 67 तक, फिर वीवी गिरी 1967 से 69 तक, फिर गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 1974 तक, फिर बीडी जत्ती 1974 से 1989 तक, उसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्ला 1989 से 1984 तक, फिर आर वेंकट रमन 1984 से 87 तक, फिर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992 तक, फिर के आर नारायणन 1992 से 1997 तक, इसके बाद कृष्णकांत, फिर भैरव सिंह शेखावत, फिर डॉक्टर हामिद अंसारी 2007 से 2017 तक, फिर वेंकैया नायडू 2017 से, और अभी भी है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, ये 13वें नंबर के हैं। फिर आपका आ जाता है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में दोस्तों अनुच्छेद 74, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए होगी। मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होगा वो प्रधानमंत्री। फिर आता है प्रधानमंत्री, इसकी योग्यता है भारत का नागरिक होना आवश्यक है और 25 वर्ष की आयु भी आवश्यक है, ये भी आयु पूछ ली जाती है। अनुच्छेद 75, प्रधानमंत्री का चुनाव, कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या 81 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ये भी ध्यान रखना है। अनुच्छेद 75 के लोकसभा के लिए मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होगा। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद है संसद के लिए और पूरी तरह से राष्ट्रपति होता है संसद के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, बाकी हमारे चैनल सेल्फ स्टडी को जैसे लाइक करें और इसे शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।